इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम एक फ्री 16GB रैम माइनक्राफ्ट सर्वर क्रिएट कर सकते हो जो कि बहुत ही स्मूथ चलेगा, और ये प्रोसेस तुम फोन में भी फॉलो कर सकते हो। और जितने भी कमांड्स मैंने इस वीडियो में यूज़ किए हैं उनके लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर मिल जाएगी, तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को जाके ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर लिंक्स वाले चैनल में तुम्हें इन सब की लिंक्स मिल जाएगी। तो मैं मिलता हूँ तुमसे वीडियो में। तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर गिटहब की वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर आके तुम अपना अकाउंट या तो साइन इन या फिर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, और क्रिएट करने के बाद तुम्हें यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है टॉप रिपोजिटरीज के साइड में। इसके बाद तुम अपनी रिपोजिटरी का नाम दे देना यहाँ पर, और इसको यहाँ पर पब्लिक से करके प्राइवेट कर देना और यहाँ पर क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर लेना। उसके बाद तुम यहाँ पर आ जाओगे और यहाँ पर तुम्हें क्रिएटिंग अ न्यू फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन पे, तो इस पे क्लिक करना। इसके बाद तुम अपने फाइल कंटेंट में यहाँ पर रैंडम टाइप करके, नेम में भी रैंडम टाइप करके यहाँ पर कमिट चेंजेस पे क्लिक करके और वापस कमिट चेंजेस पे क्लिक कर लेना। उसके बाद जो भी तुमने अपने रिपोजिटरी का नाम लिखा था वो यहाँ पर टॉप पे आएगा ब्लू कलर में हाईलाइट होके, तो उस पर क्लिक करना। उसका तुम्हें यहाँ पर कोड वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पर क्रिएट कोड स्पेस और मेन पे क्लिक करना, कोड स्पेस के अंदर, तो इस पर क्लिक करना। उसका तुम्हारा जो कोड स्पेस है वो सेट होने लग जाएगा, तो इसको पूरा होने देना सेट। उसके बाद जब तुम्हारा टर्मिनल जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा तो इसको यहाँ पर फुल स्क्रीन कर लेना, इसको ऊपर तक ड्रैग करके, और अगर तुम मोबाइल पे हो तो यहाँ पर डेस्कटॉप मोड पे आके भी ये सब कर सकते हो। तो उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में एक टेक्स्ट फाइल होगी जिसमें सारे कमांड्स मैंने दे रखे होंगे, और वो टेक्स्ट फाइल तुम्हें मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करो और वहाँ पर लिंक्स वाले चैनल में जाके जो दो टेक्स्ट फाइल्स हैं उनको वहाँ पर डाउनलोड कर लो। तो उस टेक्स्ट फाइल को डाउनलोड करके ओपन कर लेना साइड में, और वहाँ पर आके सबसे पहली कमांड होगी मेरी sudo apt upgrade अपडेट करके, तो इसके ऊपर डाल के एंटर दबा देना। उसके बाद ये पूरा यहाँ पर लोड होने देगा, तो इसको यहाँ पर पूरा कंप्लीट होने देना। तो जब ये पहला कमांड जो तुमने डाला है ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर तुम्हें दूसरा टैब ओपन करके यहाँ पर तुम्हें सर्च करना है पेपर MC, ये सर्च करने का तुम्हें इसका पहला जो होगा इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर पेपर पर क्लिक करना, और यहाँ पर जो पेपर की 1.20.4 की लिंक है इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉपी लिंक पर क्लिक कर लेना। मैं इस वेबसाइट की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो जब तुम्हें कॉपी कर लो तो तुम्हें यहाँ पर वापस आना है अपने कोड स्पेस में। तो जब तुम वो लिंक कॉपी कर लो तो यहाँ पर तुम्हें डालना है अपने टर्मिनल में WGET, और उसके बाद जब तुमने लिंक कॉपी की थी उसको यहाँ पर पेस्ट कर लेना और यहाँ पर एंटर पर क्लिक कर लेना। उसके बाद ये तुम्हारा जो 1.20.4 का पेपर है वर्जन ये यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारी जार फाइल होगी paper.1.24.jar वाली, इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर रीनेम पे क्लिक करके इसको सिर्फ paper.jar वाला कर लेना। ये करने के बाद तुम्हें मेरी जो कमांड्स की लिस्ट होगी उसमें एक कमांड होगा java.dot करके, शायद थर्ड या फोर्थ पे होगी, तो इसको यहाँ पर पेस्ट करके एंटर दबा देना और जो तुम्हारा सर्वर है वो यहाँ पर क्रिएट होकर स्टार्ट होने लग जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो तुम्हारे यहाँ पर धीरे धीरे अपने तुम्हारे सर्वर की जो फाइल्स है वो यहाँ पर आने लग जाएगी। तो जब तुम इसको स्टार्टिंग में स्टार्ट करोगे ना तो जो तुम्हारा सर्वर है वो स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि इसका जो यूला है वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा, तो ये फेल हो जाएगा। ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पर दिखा रहा है फेल टू लोड यूला, तो इसको अनेबल करने के लिए तुम्हें यहाँ पर yula.txt वाले ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ पर यूला देखो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट फॉल्स में सेट होगा, तो इसको फॉल्स हटा के ट्रू कर लेना और यहाँ पर एंटर दबा देना। इससे क्या होगा, ये अपने आप ही सेव हो जाएगा। तो वापस इस टर्मिनल को पूरा ओपन कर लेना, तो और यहाँ पर जो कमांड तुमने जावा वाला यहाँ पर डाला था इसको वापस यहाँ पर पेस्ट कर लेना और इसको वापस एंटर दबा देना। अब जो तुम्हारा सर्वर है वो यहाँ पर स्टार्ट होने लग जाएगा, तो वेट करना जब तक तुम्हारा जो सर्वर है वो यहाँ पर चालू हो जाए। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो जो तुम्हारा सर्वर है वहाँ पर सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो टाइमिंग्स रीसेट करके लिखा चुका है, मतलब जो तुम्हारा सर्वर है वो यहाँ पर चालू हो चुका है। लेकिन अब तुम इस सर्वर को एंटर नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास इसकी IP नहीं है। IP लेने के लिए तुम्हें यहाँ पर प्लगइन डाउनलोड करना है playit.gg वाला, तो वो प्लगइन, और अगर तुम्हें इसकी रैम्स वगैरह देखनी है सर्वर की तो तुम टैब वाला प्लगइन यहाँ पर डाउनलोड कर लेना, और यहाँ पर VIA वर्जन और बैकवर्ड्स भी डाउनलोड कर लेना। अब बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि VIA वर्जन और बैकवर्ड्स उनका सक्सेसफुली डाउनलोड नहीं होता, तो मैं बताता हूँ उसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर न्यू टैब पर आके तुम्हें सर्च करना है VIA वर्जन, और यहाँ पर तुम्हें मॉडरेट डाल देना स्पेस डालने के बाद,
ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा जो पहले लिंक आएगी मॉडरिंथ की, इसको ओपन कर लेना। तो यहाँ पर आने के बाद तुम्हें यहाँ पर वर्जन्स पे जाना है यहाँ पर, और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे वर्जन्स दिख जाएंगे, तो जिसमें ये रिलीज करके आ रहा होगा और ये ग्रीन टिक होगा, इसको तुम यहाँ पर डाउनलोड कर लेना। ये देख सकते हो ये 1.20.5 तक के वर्जन को सपोर्ट करता है, तो इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना। और जो तुम्हारा वी आई वर्जन का प्लगइन है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह से तुम यहाँ पर मॉडरिंथ के डैशबोर्ड चले जाना, इसके लोगो पे क्लिक करके, और यहाँ पर प्लगइन्स पे जाके सर्च करना विया बैकवर्ड्स। ये सर्च करने के बाद तुम्हें इसको क्लिक करना है विया बैकवर्ड्स वाले को, और उसके बाद वही वर्जन्स पे जाके यहाँ पर जो रिलीज आ रहा होगा 4.10 वाला, इसको भी यहाँ पर डाउनलोड कर लेना। और टैब प्लगइन को डाउनलोड करने के लिए तुम्हें सिंपली यहाँ पर ब्राउजर पर सर्च करना है टैब, और फिर प्लगइन यहाँ पर सर्च कर लेना, और जो पहली लिंक आएगी स्पीकॉर्ड एमसी की उस पर क्लिक करना, और यहाँ पर तुम अपने टैब वाले प्लगइन को डाउनलोड कर लेना, ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो उसके बाद तुम्हें यहाँ पर प्लेट वाला प्लगइन लाना है, लेकिन अब अपन प्लेट प्लगइन वाले को डालने से पहले अपन अपने सर्वर को 16GB रैम कर लेते हैं, क्योंकि अभी के लिए जो ये सर्वर अपने जो बनाया है ये अभी 8GB रैम है। तो सबसे पहले अपने सर्वर को स्टॉप कर लेना, सिंपली अपने कंसोल में आकर यहाँ पर लिखना स्टॉप, यहाँ पर एंटर दबा देना, इससे जो तुम्हारा सर्वर है वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसको कोर्स पे क्लोज कर लेना यहाँ पर, और वापस इधर आके तुम्हें यहाँ पर रिफ्रेश कर लेना है इस वाली को, वेबसाइट को, और उसके बाद यहाँ पर कोड पे क्लिक करना, और यहाँ पर देखो ये एक्टिव आ रहा होगा, तो इसको 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पर स्टॉप कोड स्पेस पे क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद जो तुम्हारा कोड स्पेस है वापस स्टॉप हो जाएगा, तो वापस इस कोड वाले ऑप्शन पे आना, और यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पर चेंज मशीन टाइप पे क्लिक करना, और यहाँ पर 2 कोर से 4 कोर कर लेना, इससे जो तुम्हारा सर्वर है यहाँ पर 8GB रैम से 16GB रैम हो जाएगा। तो यहाँ पर अपडेट कोड स्पेस पे क्लिक करना, और उसके बाद तो यहाँ पर अपने कोड पे आके अपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना, और इसको ओपन इन ब्राउजर पे क्लिक कर लेना। इससे जो तुम्हारे सर्वर का टर्मिनल है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, तो इसको ओपन होने देना। तो प्लगइन्स तुम्हें डालने के लिए सबसे पहले अपने फाइल ओपन कर लेना जिसमें तुम्हारे सारे प्लगइन्स हैं, और इन चारों प्लगइन्स को सेलेक्ट करके सिंपली ड्रैग कर लेना ये प्लगइन्स वाले फोल्डर के अंदर, ये मैंने ऑलरेडी कर लिया है। तो जब तुम इसको ड्रैग कर लोगे तो तुम्हारा प्लगइन्स देखो यहाँ पर देख सकते हो, सारे प्लगइन्स जितने भी तुमने डाले हैं वहाँ पर आ जाएंगे। और अगर तुमने अपने गलती से प्लगइन्स 20 चैट्स वाले फोल्डर के अंदर डाल दिए तो सिंपली उनको बाहर निकाल के प्लगइन्स वाले फोल्डर के अंदर डाल देना। और उसके बाद अगर तुम क्रैक्ड माइनक्राफ्ट खेलते हो और तुम चाहते हो कि मैं भी इस सर्वर को ज्वाइन कर सकूं, और बाकी लोग भी जो लोग क्रैक्ड खेलते हैं, तो उसके लिए आप सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज वाली फाइल पर आ जाना, और यहाँ पर 36 लाइन पे ऑनलाइन मोड को फॉल्स पे सेट कर लेना। ये बाय डिफॉल्ट ट्रू पे सेट होता है, तो इसको फॉल्स पे सेट करके यहाँ पर कंट्रोल प्लस एस दबा देना ताकि सेव हो जाए। तो अब तुम्हें क्या करना है, ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा तुम्हें ये टॉगल सेकेंडरी साइड बार, ये देखो यहाँ पर इस पर क्लिक करना, और इससे जो तुम्हारा टर्मिनल है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको यहाँ पर तुम फुल स्क्रीन कर लेना। अब तुम्हें क्या करना है, जो कमांड मैंने बताया था जो अपने सर्वर स्टार्ट करने के लिए डाला था, तुम्हें वही कमांड यहाँ पर डालना है। तो जब तुम उस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर लो, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो XMX के बाद यहाँ पर 8G लिखा हुआ है, तो इसको 8G से चेंज करके यहाँ पर 16G कर लेना। और जब तुम 16G कर लो तो इस कोड को कॉपी करके रख लेना, और जब भी तुम अपने सर्वर को स्टार्ट करोगे तो तुम्हें सिंपली इस कोड को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है टर्मिनल में, और तुम्हारा जो सर्वर है वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो अपन इस सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो मैं 16G वाला कमांड है ये भी मैं मेरे टेक्स्ट फाइल में ऐड कर लूँगा, जिसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगी। तो जितने भी कमांड्स मैंने इस टर्मिनल में यूज़ किए हैं तो उनकी लिंक तुम्हें मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर जाके लिंक्स वहाँ चैनल में मिल जाएगी, तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लेना। तो जब तुम अपना सर्वर स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर दिखो एक लिंक स्पैम होने लग जाएगी, जिसमें दिख रहा होगा फेल टू एक्सचेंज टू क्लेम विजिट, और यहाँ पर एक लिंक आ रही होगी और ये बाबा स्पैम हो रही होगी। तो इस लिंक को सिंपली यहाँ पर कॉपी करना और दूसरे टैब में आकर यहाँ पर पेस्ट कर लेना। उसके बाद तुम अपना यहाँ पर साइन इन कर लेना अकाउंट से, अगर तुम्हारे पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पर अकाउंट बना लेना। इसके बाद तुम्हें यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पर ऐड एजेंट पे क्लिक कर लेना। यहाँ पर जैसे तो तुम्हें दिख रहा है वेट फॉर द प्लेट प्रोग्राम टू कनेक्ट टू आर सर्वर्स, तो इसको होने देना पूरा लोड, और यहाँ पर ऐसा कुछ आएगा, यहाँ पर दिखाएगा टनल क्रिएटेड, तो इसमें तुम्हें व्यू टनल पे क्लिक करना है, और यहाँ पर तुम नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें यहाँ पर आईपी दिख जाएगी। तो अब ज्वाइन करने के लिए तुम्हें अपने सर्वर को यहाँ पर अपनी आईपी कॉपी करनी है पहले, तो इसको कॉपी करना, और उसके बाद यहाँ पर डबल कोलन्स डाल के
अपने जो पोर्ट है उसको भी यहाँ पर कॉपी कर लेना और डबल कॉइन से अपने पोर्ट को डाल के यहाँ पर एंटर डाल देना। अब इस आईपी से तुम अपने सर्वर को यहाँ पर ज्वाइन कर पाओगे। मैं अभी माइनक्राफ्ट खोल नहीं सकता क्योंकि कुछ इश्यूज है, लेकिन तुम अगर इस आईपी को डालोगे तो तुम अपने सर्वर को यहाँ पर सक्सेसफुली ज्वाइन कर लोगे। तो होपफुली तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो में जितने भी मैंने कमांड्स यूज़ किए हैं वो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर लिंक्स वाले चैनल में मिल जाएंगे। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक है, तो उस पर क्लिक करके मेरे सर्वर को ज्वाइन कर लेना। और अब तुमने अपना माइनक्राफ्ट सर्वर तो बना लिया, लेकिन अब तुम चाहते हो कि इसकी आईपी चेंज करूं और एक कस्टम आईपी रखूं जिससे कि ये बहुत प्रोफेशनल लगे, तो स्क्रीन पर ही वीडियो पर क्लिक कर देना और मैं तुमसे वहां पर मिलता हूं।